क्या आपने सोचा है कि विश्व का सबसे पुराना सनातन हिंदू धर्म अब्राहमिक मजहबों की आंखों में चुभ क्यों रहा है? क्या कारण है कि वो इसे समूल नष्ट करना चाहते हैं? क्यों डीएमके जैसी कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां सनातन धर्म को नष्ट करने और हिंदुओं के नरसंहार की खुली धमकी देती हैं? डीएमके नेता और एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि ने कहा है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है। केवल विरोध पर्याप्त नहीं है। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते। हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। इसका विरोध नहीं बल्कि समूल नाश ही हमारा पहला काम है। डीएमके हो या कांग्रेस, ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियों की सनातन धर्म से घृणा उनके इतिहास में छिपी है। वर्ष 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था। इसने अलग द्रविड़ानु देश की मांग करनी आरंभ कर दी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि जस्टिस पार्टी का विरोध भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों से नहीं बल्कि ब्राह्मणों, सभी उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषा से था। वे अंग्रेजों के समर्थक थे और सार्वजनिक रूप से अपील करते थे कि अंग्रेजों को भारत में बने रहना चाहिए। जस्टिस पार्टी के पीछे वास्तव में चर्च का हाथ था। ये भारतीयों को बांटने और राज करने की अंग्रेजों की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यही जस्टिस पार्टी आगे चलकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात डीएमके बनी। आज भी इस पार्टी के सदस्य समय समय पर अलगाववादी बयान देते रहते हैं। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कुछ समय पहले डीएमके के इसी काले इतिहास की चर्चा सार्वजनिक रूप से कर दी थी। தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலுக்கு சாபக்கேடு நீங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோடு கொஞ்சி குலாவி உங்களுடைய மூதாதையர்கள் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோடு கொஞ்சி குலாவிலியா உங்களுடைய மூதாதையர் பாட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லையா? 1941 நீங்க சுதந்திரத்தை பத்தி என்ன பேசுனீங்க? சுதந்திரம் வேண்டாம் என்று நீங்கள் பேசவில்லையா? அந்த கட்சியினுடைய வழித்தோன்றலாக வந்து அமர்ந்து விட்டு என்னை பார்த்து அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கு? அது திமுகல யாருக்கும் அந்த அருகதை கிடையாது. உங்களுக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு தமிழக மக்களுக்கே தெரியும். ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஆரம்பிச்சதிலிருந்து திராவிடர் கழகத்திலிருந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கூட எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க வச்சுக்கலையா? அப் பாத் பாரத் கோ ஸ்வதந்திர கரானே கா தாவா கர்னே வாலி காங்கிரஸ் ஓ டிஎம்கே கே ரிஷ்தோ கி. வர்ஷ் 1991 மே ஜப் ராஜீவ் காந்தி கி ஹத்யா ஹுயி தோ ஜாஞ்ச் மே டிஎம்கே கி பூமிகா ஸ்பஷ்ட ரூப் சே சாம்னே ஆயி. कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल सरकार से समर्थन इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि डीएमके भी उस गठबंधन में शामिल थी। वर्ष 2004 तक कांग्रेस पार्टी डीएमके की कट्टर विरोधी रही, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी की पकड़ कांग्रेस पार्टी पर मजबूत हुई, उसने इस नीति को बदलकर डीएमके के साथ गठबंधन कर लिया। अर्थात सोनिया गांधी ने अपने ही पति राजीव गांधी की हत्या के आरोपियों के साथ हाथ मिला लिया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और डीएमके के इस गठबंधन के पीछे असली उद्देश्य सनातन धर्म का सर्वनाश करना ही था। इस सबसे बड़े उद्देश्य के लिए कांग्रेस ने राजीव गांधी के हत्यारों को भी क्षमा कर दिया। तब से लेकर आज तक दोनों पार्टियों के नेताओं की बोली एक जैसी होती है। जनवरी 2022 में तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष केएस अड़गिरी ने कहा था, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सनातन धर्म इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस पार्टीज अलायंस विद डीएमके इन तमिलनाडु। अर्थात सनातन धर्म का सर्वनाश तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी और डीएमके के गठबंधन के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। वर्ष 2018 में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरे मंच से कहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए तो देश में सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी।
सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कहने वाला उदयनिधि स्टालिन अकेला नहीं है। कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन का एक सूत्रीय कार्यक्रम यही है। वे तमिलनाडु ही नहीं, पूरे भारत की संस्कृति और धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। संदेह नहीं कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे चर्च है। चर्च ने जिस प्रकार ईस्ट तिमोर और साउथ सूडान जैसे ईसाई देश बनवाए, उसी तरह वो तमिलनाडु को भारत से तोड़कर अलग देश बनाना चाहते हैं। ये लंबे समय से उनके एजेंडे में रहा है। इस गठबंधन को समझना आवश्यक है ताकि हम अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन आक्रमणकारियों से बचा सकें। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।